सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 जो आपके हिस्ट्री का था, इंडिया इवेंट्स आफ्टर 1960, ये कंप्लीट किया था 2 सेशन में। हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 से। चैप्टर नंबर 1 आपको इसके बाद वाले सेशन में किया जाएगा। ये जो इंटरनल चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही जानने लायक हिस्ट्रीज है इसके अंदर कि क्या क्या हुआ था, और इससे आपकी नॉलेज बहुत ही बड़े लेवल पे शार्प होगी। ओके स्टूडेंट्स, सो आई एम स्टार्टिंग दिस विद, सो टॉपिक देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इंडियाज इंटरनल चैलेंजेस। राइट, मतलब इंडिया के अंदर इंटरनली क्या क्या चैलेंजेस इंडिया को फेस करने पड़े थे अपने उस वक्त पे, और क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हमारे इंडिया में हुई है, और लड़ाइयाँ वगैरह बहुत कुछ, जो इवेंट्स एकदम जानने लायक हैं, जो शायद इसके ऊपर कोई मूवी भी नहीं है, तो इसके ऊपर ना कोई नोट्स है, तो क्या होता है इसके बारे में पता नहीं चल पाता है ना। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। यहाँ पे दिया देखो, इन दिस चैप्टर वी गोइंग टू लर्न अबाउट सम इंटरनल चैलेंजेस दैट इंडिया फेसेस। वी शैल सी सम इंटरनल चैलेंजेस लाइक सेपरेटिस्ट मूवमेंट, इश्यूज ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नक्सलिज्म, कम्युनलिज्म एंड रीजनलिज्म। इन सब चीज़ों को हम यहाँ पे देखेंगे, बराबर, जो जो हमारे कंट्री में हुआ है। सबसे पहले देखते हैं अनरेस्ट इन पंजाब। चलो देखते हैं पंजाब के बारे में क्या हुआ था। अनरेस्ट मतलब एक बहुत ही, 1984 के दंगे सुने होंगे आपने, इनके बारे में यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है। सो अकाली दल वॉज अ मेजर पॉलिटिकल पार्टी इन पंजाब। अकाली दल एक पॉलिटिकल पार्टी, जैसे कांग्रेस होती है, बीजेपी होती है, वैसे पंजाब के अंदर एक ये पॉलिटिकल पार्टी थी जो मेजोरिटी में चलती थी। इन 1973 होता क्या है, अकाली दल पास्ट आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन। इन्होंने एक फैसला लिया, ये दिख रहा है आपको, हाँ, द फॉलोइंग डिमांड्स वेर मेड इन दिस रेजोल्यूशन। अब इन्होंने कुछ डिमांड की सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, दैट डिमांड, कुछ डिमांड्स ऐसी होती हैं कि जिनको पूरा नहीं किया जा सकता क्योंकि उनमें कुछ प्रॉब्लम होती है। अब डिमांड दिखती क्या थी, सबसे पहले था चंडीगढ़ शुड बी मेड पार्ट ऑफ पंजाब। चंडीगढ़ आप जानते ही हैं, इट्स अ कैपिटल ऑफ पंजाब। उसको कहा गया कि इसको सिर्फ पंजाब का बना दो। वैसे आपको पता होगा पंजाब एंड हरियाणा, इन दोनों का कैपिटल चंडीगढ़ ही है, बट कहा गया कि सिर्फ चंडीगढ़ को बनाओ। एंड द पंजाबी स्पीकिंग पार्ट्स इन अदर स्टेट शुड बी इंक्लूडेड इन द स्टेट ऑफ पंजाब। मतलब जहाँ जहाँ पे लोग पंजाबी बोलते हैं उन स्टेट्स को, उन जगहों को पंजाब का हिस्सा बना दो, बराबर। ये तो वही वाली बात हो गई बांग्लादेश और पाकिस्तान की। रिक्रूटमेंट ऑफ सिख एंड इंडियन आर्मी शुड बी इंक्रीज्ड, और जो इंडियन आर्मी है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पंजाबी होने चाहिए, सिख होने चाहिए। एंड मोर ऑटोनॉमी शुड बी गिवन टू स्टेट ऑफ पंजाब, और स्टेट ऑफ पंजाब को ज़्यादा बड़े लेवल पे ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। मतलब ये पंजाब स्टेट जो चाहे वो करेगा, इसके ऊपर कोई सवाल नहीं पूछना चाहिए, ठीक है। एक ये भी हुआ। अब आगे क्या होता है, देन अकाली दल केम टू पावर इन पंजाब इन 1977। 1977 में वो पावर में आ गया, जीत गया। अब जीतेगा ही ना, ऐसे डिमांड लोगों के सामने रखेगा तो लोगों को क्या लगेगा कि पंजाब की भलाई के लिए कर रहा है। वाइल टेकिंग चार्ज दे आस्क फॉर अ लार्जर शेयर ऑफ रिवर वाटर फॉर पंजाब। और जैसे ही इन्होंने पार्टी जीती, इलेक्शन जीता, इन्होंने क्या बोला कि पंजाब को सबसे ज़्यादा पानी मिलना चाहिए, और जो अमृतसर है जहाँ पे गोल्डन टेम्पल है उसको सबसे बड़ा होली स्टेटस का एक टैग मिलना चाहिए कि इंडिया के अंदर सबसे बड़ी अगर कोई जगह है और होली स्टेटस है तो वो सिर्फ अमृतसर है। अब ये तो बात हो गई 1977 तक। आगे क्या होता है, इन 1980 द मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंट खालिस्तान। अब 1980 में होता क्या है कि कुछ पंजाबी लोग, कुछ सिख लोग खालिस्तान की डिमांड करते हैं। दैट टुक रूट इन पंजाब ड्यूरिंग दैट पीरियड। द लीडर ऑफ अकाली दल वो संत हरचरण सिंह लौंगोवाल। उस टाइम पे अकाली दल के जो हेड कौन थे, संत हरचरण सिंह लौंगोवाल, ही यूज टू डायरेक्ट हिज एक्टिविट्स फ्रॉम द गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल के बारे में आप जानते ही हैं,
है ना, पंजाब में, वहीं से बैठ के पूरे चीज़ों को मॉनिटर करना, उनको पूरा मतलब बताना, ये सब करते थे। और खालिस्तान के जो सपोर्टर थे, जो सबसे बड़े जिन मतलब एक ग्रुप के जो हेड बने, वो थे जरनैल सिंह भिंदरांवाले। ड्यूरिंग दैट पीरियड टेररिस्ट एक्टिविटीज हैज बिगिन, अब टेररिज्म बढ़ने लगा। भिंदरांवाले वॉज अरेस्टेड इन 1981, एक्यूज ऑफ मर्डर ऑफ न्यूज़पेपर एडिटर लाला जगत नारायण। उस टाइम पे किसी न्यूज़पेपर वाले ने जरनैल सिंह के बारे में कुछ लिखा होगा, तो उसने क्या किया, उस न्यूज़पेपर वाले को मार दिया, फाइन, जिसकी वजह से 1981 में ये अरेस्ट हुए। एंड आफ्टर दिस इंसिडेंट द सिचुएशन वॉर्सन, अब दंगे भड़कने लगे। ड्यू टू दिस डेवलपमेंट प्रेसिडेंट रूल वॉज इम्पोज इन पंजाब इन 1983, और उस सिचुएशन को देखते हुए प्रेसिडेंट रूल लागू हो गया। प्रेसिडेंट रूल का मतलब क्या होता है कि अब वहाँ की सरकार जो होगी, मतलब जो पंजाब की होगी, वो कुछ भी नहीं कर सकती, अब जो होगा वो प्रेसिडेंट करेगा, फाइन, प्रेसिडेंट इसको मॉनिटर करेगा। भिंदरांवाले वेंट टू स्टे एट अ रिलीजियस प्लेस कॉल्ड अकाल तख्त, एक जगह का नाम है, रिलीजियस प्लेस, उसका नाम है अकाल तख्त, तो वहाँ जाके उसने रहना शुरू कर दिया। भिंदरांवाले फॉलोअर कैप्चर द गोल्डन टेम्पल एंड बिल्ट अ बैरिकेड ऑफ सैंड बैग्स ओवर देयर, एक बंकर बना लेते हैं ना अपने आप में पूरे, मतलब गोल्डन टेम्पल को एक किला बना के रख दिया इन्होंने, जो कि अपने आप में गुरुद्वारा है बहुत बड़ा इंडिया का। उन्होंने क्या किया, उस पर कब्जा कर लिया, और वहाँ पे मतलब पुलिस आ नहीं सकती जल्दी, इनको ऐसा लगा, और इन्होंने वहाँ पे शरण ले ली। दिस ग्रेटली डिस्टर्ब द पीस इन पंजाब, और पंजाब में जो हालात थे उसको देखते हुए ये बहुत बड़ी चिंता की बात हो गई कि ऐसा कैसा काम चलेगा। इट वॉज अ मेजर चैलेंज टू इंडियन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी खतरे में आ गई इंडिया की। अब होता क्या उसके बाद, तो ये तो पंजाब का अनरेस्ट हो गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन मीन्स लाइक एक टास्क होता है जिसको पूरा करना होता है इंडियन आर्मी को, किसके कहने पे, इंदिरा गांधी के। द मेन टास्क ऑफ गेटिंग द टेररिस्ट आउट ऑफ द गोल्डन टेम्पल वॉज एंट्रस्टेड टू मेजर कुलदीप सिंह ब्रर। अब उन, एक तो देखिए पंजाबी लोग कहाँ पे बैठे हुए हैं, गोल्डन टेम्पल में एकदम किला बना के, और मेजर कुलदीप सिंह ब्रर वो भी खुद एक सिख हैं, तो उनको ये काम दिया गया कि आप कुछ भी करो, कैसे भी करो, इन सब आतंकवादियों को गोल्डन टेम्पल से बाहर निकालो। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 3 जून 1984 मिशन ऑपरेशन ब्लू स्टार स्टार्टेड, फाइन, ये शुरू किया उन्होंने, इंडियन आर्मी ने पूरा घेर लिया। देन द ब्लू स्टार द ऑपरेशन एंडेड ऑन 6 जून, मतलब लगभग 3 4 5 6 4 दिन तक इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन जारी रखा, गोलियां वगैरह चलाई, और उनको कैसे भी करके वहाँ से अरेस्ट किया, और कुछ लोगों को जान से मार दिया। इन दिस मिलिट्री ऑपरेशन द इंडियन आर्मी फंक्शन विद द ग्रेट रेस्ट्रेंट, और इंडियन आर्मी की जीत हुई। द ऑपरेशन एंडेड विद द डेथ ऑफ भिंदरांवाले एंड अदर एक्टिविटीज़, उनमें भिंदरांवाले की मौत हुई, और उसके जो बाकी टेररिस्ट थे उन सबको मार गिराया गया। इन 1986 एन ऑपरेशन हैड एंड कंडक्टेड अगेंस्ट टेररिस्ट इन गोल्डन टेम्पल वंस मोर, वापस से 2 साल के बाद वापस से कुछ आतंकवादियों ने गोल्डन टेम्पल को फिर से घेर लिया, है ना। इट वॉज कॉल्ड ऑपरेशन ब्लैक थंडर, और इस बार ऑपरेशन का नाम बदल दिया ब्लैक थंडर। आफ्टर दिस एक्शन वॉज टेकन द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पीस इन पंजाब पिकड अप मोमेंटम, और उसके बाद क्या होता है, पंजाब में जो पहले की तरह पीस था वो वापस से आ गया। लेकिन आपको एक बात बताना चाहूँगा, इस हादसे के बाद हुआ क्या, ये जो सिचुएशन हुई थी इसके बाद हुआ क्या, इंदिरा गांधी का जो बॉडीगार्ड था वो भी एक सिख था, और उसी ने इंदिरा गांधी को गोली मार दी। रीज़न ये था, उसका मानना था कि इंदिरा गांधी ने हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट किया। रीज़न जो इंडियन आर्मी को अंदर घुस के मारने की जो परमिशन दी, उससे पूरा खून अंदर हो गया, खून खराबा हुआ गोल्डन टेम्पल में, जो बात उस बॉडीगार्ड को अच्छी नहीं लगी और उसने मार दिया। तो इस तरह से इंदिरा गांधी की डेथ होती है, और उनका जो टास्क है वहाँ से पूरा होता है, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, यहाँ तक का। अब उसके बाद ये जो नया टॉपिक है, इश्यूज कंसर्निंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया, अभी ये क्या चीज़ है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया सब जानते हैं, आसाम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड,
फाइन, मणिपुर, सिक्किम, ये जो पार्ट्स हैं इंडिया के, इनको भी हम जल्दी, ऐसा कभी कभी हम इंडियन में देखते हैं कि हम ज़्यादातर जब भी स्टेट्स की बात होती है तो यूपी, महाराष्ट्र, कोलकाता, इन सब चीज़ों की हम बात करते हैं, लेकिन कभी आसाम, मणिपुर, मिज़ोरम के लोगों को हम ऐसा मानते ही नहीं कि वो इंडिया का पार्ट है। कई जगह पे ऐसा होता है, बट दैट टू कि वो हमारे इंडिया का हिस्सा बन चुके हैं, वो इंडियंस हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडियन कंसिस्ट ऑफ द 8 स्टेट्स ऑफ आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। इंटरनेशनल बॉर्डर्स टू इंडिया टच ईच ऑफ द स्टेट्स टू वेराइंग एक्सटेंट। दी स्टेट्स आर डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू एथनिसिटी, लैंग्वेजेस एंड कल्चर डाइवर्सिटी। अभी स्टेट्स में क्या होता है, अलग अलग इनकी भाषा, अलग अलग इनका पहनावा और अलग अलग इनकी डाइवर्सिटी। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया टुक द लीड इन ब्रिंगिंग द ट्राइब्स लिविंग इन दिस एरिया इन टू द मेन स्ट्रीम ऑफ द कंट्री। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, इन जो स्टेट्स हैं इन सबको इंडिया में शामिल करने के लिए बहुत जोर लगाया और किया भी। अब 1954 में क्या होता है, इंडिया नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर नेफा कंप्राइजिंग ऑफ टेरिटरीज ऑफ सिनो इंडियन बॉर्डर एंड ट्राइबल एरियाज टूवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ आसाम। नेहरू टुक द पोजिशन ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट अ डेवलपमेंट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ ट्राइब्स इन दिस पार्ट वाइल प्रिजर्विंग द कल्चर। और 1965 का जो कानून बताया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, सिक्स शेड्यूल में, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इनको किसी भी तरीके से इंडिया का हिस्सा बनाना है और इन सबको गवर्नमेंट से पूरी मदद मिलनी चाहिए कॉमन इंटरेस्ट में, सोशल स्पेयर्स, इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, फूड कंट्रोल एंड ऑल, क्योंकि ये हमारे इंडिया का हिस्सा है। राइट स्टूडेंट्स, आगे फिर मिज़ोरम की बात आती है। मिज़ोरम आप इसको भी जानते ही हो। द ट्राइब्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया हैव एन एंशियंट हिस्ट्री। इनकी एक अलग ही हिस्ट्री है। व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट द गवर्नमेंट गेव एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिज़ो मेजोरिटी एरियाज ऑफ लुशाई हिल्स। व्हेन द स्टेट रीऑर्गनाइजेशन कमीशन वॉज अपॉइंटेड इन 1954 द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल इन दिस एरिया ग्रो। मिज़ो लीडर स्टार्टेड डिमांडिंग एन ऑटोनॉमस मिज़ो प्रोविंस। इन 1959 द टेरिटरी ऑफ मिज़ोरम एक्सपीरियंस सीवियर ड्रॉट। बहुत ही सूखा हुआ, मतलब अकाल पड़ गया। ड्यूरिंग दिस फेमाइन मिज़ो लीडर लाल देंगा सर्व द कॉमन पीपल अलॉट। एक लाल देंगा पर्सन का नाम है। इन्होंने अकेले अपने दम पे पूरे मिज़ोरम को एक पर्सनल हेल्प ली, हेल्प की। इन 1961 लाल देंगा एस्टैब्लिश एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड मिज़ो नेशनल फ्रंट। ही आस्क फॉर अ ग्रेटर मिज़ोरम, एन इंडिपेंडेंट नेशन कर्व्ड आउट ऑफ त्रिपुरा। त्रिपुरा में से इसको अलग करो, एंड मणिपुर एंड मिज़ो मेजोरिटी एरियाज फ्रॉम लुशाई हिल्स, जिनको हम हिमालयस के नाम से भी जानते हैं, उनको लुशाई नाम दिया गया है। इन मार्च 1966 मिज़ो नेशनल फ्रंट अनाउंस द एमरजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट मिज़ोरम। 1966 में मिज़ोरम को एक अलग किया गया। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी हैंडल द सिचुएशन फॉर्मली एंड सप्रेस द रिबिलियन। और सिचुएशन इन्होंने हैंडल की, एंड देन इन्फॉर्म रेस्पा व्हेन द सिचुएशन काम डाउन इन 1972 द मिज़ो मेजोरिटी एरिया वॉज गिवन द स्टेटस ऑफ यूनियन टेरिटरी। इनको यूनियन टेरिटरी का एक नाम दिया गया। इन 1985 प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी हैड एन एग्रीमेंट विद मिज़ो नेशनल फ्रंट एंड मिज़ोरम गिवन द स्टेट ऑफ फुल फ्लेज स्टेट। फाइन, राजीव गांधी ने 1985 में मिज़ोरम को इंडिया का स्टेट घोषित कर दिया और वो इंडिया का हिस्सा बन गया। एंड लाल देंगा बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। फाइन, सो यहाँ पे ये मिज़ोरम की स्टोरी कंप्लीट होती है। सो स्टूडेंट्स, आज आपने देखा पंजाब के बारे में, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लैक थंडर, और नॉर्थ ईस्ट में जो प्रॉब्लम चल रही है उसके बारे में, तो यह मिज़ोरम के बारे में दिया हुआ है। फाइन, तो आज के सेशन में स्टूडेंट्स इतना ही। अगले सेशन में मैं इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करूँगा ताकि आपको पूरी डिटेल समझ में आ जाए, एंड इसको अच्छे से सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। फाइन स्टूडेंट्स, थैंक यू।